हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 1100 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जो 1100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका ये पहला पार्ट होगा। इसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रश्न मिलेंगे। तीनों विज्ञान से सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग एक बार यह वीडियो अवश्य देखें और हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा जीवाश्मों की। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत, लीवर। लीवर जो है वो शराब का अधिक सेवन करने से या अल्कोहल का अधिक सेवन करने से लीवर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका आंसर होगा तिल्ली, स्प्लीन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर होगा इसका क्वांटोसोम। क्या होगा? क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शरीर को बीमारियों से बचाना। जो वाइट सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं जो हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना, जिसे WBC भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दो, टू चैम्बर्स। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त के से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर होगा ब्रिक, किडनी। अगला प्रश्न, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसी को अप्सरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। डायनमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? उत्तर होगा रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट किस वजह से अपना रंग बदलता है? उत्तर होगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? उत्तर होगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? उत्तर होगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है? तो उत्तर होगा इसका कैल्शियम का। CA जो है वो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा आपका सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे ऑडियोमीटर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, किस वजह से होता है? ये जीवाणुओं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? श्वेत प्रकाश में सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है? इसका उत्तर होगा बैगनी।
सबसे कम जो होगा वो लाल होगा। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा फ्रियॉन। फ्रियॉन गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा किडनी ब्रेक। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रामस्तिष्क, सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, या कंजर्व संवेग के संरक्षण नियम भी इसे कहते हैं, संवेग का संरक्षण नियम का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहाँ पे सभी गैसों का वर्गमान मूल वेग जो है वो जो एस्केप वेलोसिटी होती है उससे अधिक होती है, तो जो गैसें होती हैं वो पलायन कर जाती हैं चंद्रमा के वायुमंडल से। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? उत्तर है आपका तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये है पोलराइजेशन ध्रुवण। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उत्तर होगा वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप होता है, हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप होता है, ये कार्बन ही है हीरा। अगला प्रश्न है, ग्रहगत प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? उत्तर होगा पानी। पानी जो है वो गैस अवस्था में भी पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? उत्तर होगा हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। कैरेट जो है वो हीरे का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? उत्तर होगा जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो उसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? उत्तर होगा सीवी रमन का। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा गलगंड, ग्वाइटर जिसे कहते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या कार्य है? उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाइयाँ कहाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर होगा क्वांटासोम।
अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम घन मीटर है। अगला प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, इसका क्या कारण है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है इसका जो कारण है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से हमें महसूस होता है कि सूर्य जो है वो सदैव पूर्व से निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा पोटोमीटर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, रेड लेड जो है वो रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। अगला प्रश्न मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, उत्तर होगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है डार्क एवेंजर क्या है, इसका उत्तर होगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है ये डार्क एवेंजर। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा शैवाल एल्गे का। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका आंसर होगा विटामिन B12 में, कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेनिनजाइटिस तानिका शोध, मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो इसका आंसर है मस्तिष्क, मेनिनजाइटिस जो है ये मस्तिष्क की एक बीमारी है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, हेपेरिन की उपस्थिति, हेपेरिन के कारण ही मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो ये होगा कन्वेक्शन द्वारा, जिसे हम संवहन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है ये कन्वेक्शन जो है इसको संवहन भी कहते हैं, संवहन, संवहन। अगला प्रश्न है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर है वो गैरियाट्रिक्स, क्या कहते हैं गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला प्रश्न है HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, इसे क्या कहते हैं एड्स। अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी है। एंजाइम मूलतः क्या हो है, एंजाइम जो होते हैं वो मूलतः प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम जो है वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो इसका उत्तर होगा यकृत में, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, इसका उत्तर होगा यकृत में। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसे जो है एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है साइनोकोवालमिन क्या है, साइनोकोवालमिन तो ये विटामिन B12 का विटामिन B12 या विटामिन B12 भी इसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोवालामिन होता है, मैंने साइनोकोवालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है टेट्रा एथाइल लेड TEL, ये है टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न हीरे की चमक होती है किस वजह से, तो हीरे की जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, इसका उत्तर होगा हाइग्रोमीटर से, आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो
इसका मापन हाइग्रोमीटर द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जो भी वस्तु होगी उसका उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर होगा जोन्स साल्क ने। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जोन्स साल्क ने। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो उत्तर होगा इसका मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संघटक जो है वो मीथेन है। अगला प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका होगा क्वांटोसोम। अगला प्रश्न, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है ये त्वरण का मात्रक है। एक्सीलेशन का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अगला प्रश्न है, गॉइटर नामक रोग शरीर के में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। गॉइटर इसे घेघा रोग भी कहते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर होगा विषाणुओं का। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है? कैलोमल जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है, Hg2Cl2 भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक नाम है? सिंदूर का रासायनिक नाम जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS। अगला प्रश्न, झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड ही क्या होता है, या फिर आयरन पायराइड को ही झूठा सोना या फूल्स गोल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? पेंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो पेंक्रियाटिक जूस में जो पेंक्रियाज रिलीज करता है उसमें पाया जाता है। आंतों इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है? इसका उत्तर होगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इस वजह से जो है ये ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर हमको दिखाई देता है। अगला प्रश्न, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? ये 72 बार। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर या जिससे नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब जो है, ब्लड प्रेशर इससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन। कोई भी प्रोटीन होगा उसमें नाइट्रोजन उपस्थित अवश्य होता है। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में।
अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी वह कौन थी? वो मैडम क्यूरी थी। 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी 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 समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण स्पष्ट है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लान करता है, तैरता रहता है, और सुई के द्वारा जो भार जो जल हटाया जाता है उसका भार जो होता है सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई जो है वो डूब जाती है। प्लान का नियम यही है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल भी इसी पे बेस्ड है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये है इनसेट 21। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इनसेट 21। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा विटामिन D। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हर 76 मतलब 76 ईयर के बाद पुच्छल तारा जो है वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो है वो रात में सुरक्षित उड़ते हैं? वो है प्रसरभ तरंग। चमगादड़ जो है वो प्रसरभ तरंगे छोड़ते रहते हैं, और वो तरंगे सामने अगर कोई भी चीज़ आती है तो उससे टकरा के वापस आ जाती है, जिससे उन्हें मालूम चल जाता है कि सामने कोई वस्तु है, तो वो वहाँ से मुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन K। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का, क्योंकि क्यू जो होता है वो क्या होता है, I/T। I जो है वो धारा है, T टाइम है, तो ये एम्पियर पर सेकंड हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसका उत्तर होगा न्यूक्लियर संलयन। आते हैं अगला प्रश्न है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? ये जी नहीं है, ये गामा है, गामा किरण है ये। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो ये किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला प्रश्न, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ब्रिक किडनी के माध्यम से। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, इनफाइनाइट। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब कौन सा होगा? दूसरा। अगला प्रश्न, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसी वजह से जो तेल है वो तैरता रहता है जल पे। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल का जो लेड है वो किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लंबाई बढ़ने पे हमेशा गर्मी में क्या होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और जब लंबाई बढ़ती है तो फिर आवर्तकाल जो है वो कम हो जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां क्या होती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऊँचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम हो जाता है, जब दाब कम हो जाता है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर किसी भी वस्तु का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, और कम होने पे क्वथनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, पीतल मिश्र धातु है,
पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का, ठीक, जेडन प्लस कापर, जिंक और कापर का होता है। अगला प्रश्न, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रांबे में स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है ध्रुव। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? तो इसका उत्तर होगा छोटे पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न, मनुष्य में दाद रिंग वार्म रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? दाद जो है किस वजह से होता है? माइक्रोस्पोरम नामक एक क्या है, कवक होता है, इसी वजह से होता है। तो दाद जो है वो कवक की वजह से होता है। अगला प्रश्न, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी है? अभी तक ज्ञात धातुओं में सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का क्या सूत्र है? तो कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl MgCl2 × 6H2O, KCl MgCl2 × 6H2O, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड × 6H2O। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम का जब नाभिकीय विखंडन होता है तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है? सबसे लास्ट में हमें जो है वो सीसा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की जो मापने की इकाई है वो डेसीबल है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसीबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम लोहा और निकेल। क्या क्या है? क्रोमियम है, आयरन है और निकेल है। क्रोमियम आयरन और निकेल किसमें होता है? स्टेनलेस स्टील में। इसमें कार्बन भी होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? उत्तर होगा आपका फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? बैक्टीरियम लैक्टी एसिडाई, बैक्टीरियम डैक्टी एसिडाई। यहाँ पे होना चाहिए बैक्टीरियम, ये लैक्टी लैक्टिक एसिड होता है, बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो इसमें शुगर की अधिकता हो जाती है, शर्करा की। अगला प्रश्न, स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर काम करते हैं? तो होगा पास्कल का नियम। ये है पास्कल का नियम। किसका? पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्नबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में माइकमिक का रिसाव हुआ था, MIC जिसे बोलते हैं, इस गैस का पूरा नाम क्या है? इस गैस का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिकम। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों के रेखीय वृद्धि, लाइनर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। क्या होगा? ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है?
ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालकता जो है ताप बढ़ाने पे वो बढ़ जाती है, किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगला प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है Fe(SO4)7H2O। अगला प्रश्न है, कैलोमल का रासायनिक नाम है, तो कैलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरान। अगला प्रश्न, भारी जल क्या है? यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? यह आँखों से संबंधित है। ट्रैकोना रोग जो है वो आँखों की बीमारी है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो पीलिया के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, DTP का टीका बच्चों में किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? DTP का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो ये होगा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हूपिंग कप। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, DTP का टीका जो है वो किस किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? टिटनेस है, डिप्थीरिया है और हूपिंग कप। अगला प्रश्न, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड का। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड का। अगला प्रश्न है आपका, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लोम गिल्स, आप सबको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न है, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका होगा आंसर, यहाँ पे ये है, किया गया था DNA के डबल हेलिकॉल मॉडल की खोज के लिए, वाटसन एवं क्रिक को। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज जो है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर होगा आपका घास का। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से है। पीडियाट्रिक्स जो है वो बच्चों के रोगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया जो है ग्लूकोज की कमी से होता है, रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। अगला प्रश्न, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है। अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टि से जो चीनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज ही होती है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना फूड्स गोल्ड कहते हैं? ये पायराइट को कहते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविता की इकाई है बेक्यूरेल। क्या होती है? बेक्यूरेल। अगला प्रश्न है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 mV। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रदीप्त घनत्व का मात्रक जो है वो लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है, जीवन की
उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ए आई ओपेरिन ने। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ जी बेंटिंग ने। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम? स्कर्विकम। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? CaH2PO4 का होल ट्वाइस। सुपर फास्फेट क्या है? CaH2PO4 का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अपने हमने क्लास में जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें ये विस्तार से चर्चा की थी हम लोगों ने। आप हमारे चैनल से जाके हमारे वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से संबंधित जितने भी थियोरी है वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से? एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न है, ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? आर्जीमोन। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? ये सोनार होता है, सोनार का उपयोग करके। अगला प्रश्न, मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो इसका उत्तर होगा ब्रेक किडनी। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। अगला प्रश्न, 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अभिघटित रह जाएगा? 1/16 भाग, 1/16 या 6.25% भाग। अगला प्रश्न है, शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन ए की कमी से? शुष्क छिपाक जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सोडियम सिलिकेट को। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। अगला प्रश्न, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक है, इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? Z+1। जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, अल्फा कण पे 2 की वृद्धि होती है, जबकि गामा कण पे कोई वृद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? इसका उत्तर होगा प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? इसका उत्तर होगा ग्रेगर जार मेंडल ने। अगला प्रश्न, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होगा 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राज का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है? उत्तर व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों? गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। अगला प्रश्न, भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइन जो है वो चांदी का अयस्क होता है, सिल्वर का। अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान जो है 6.6 होता है, मतलब कि ये एसिडिक है, दूध जो है वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो इसका आंसर होगा पित्त जो है वो यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का
क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडियस है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का होगा। अगला प्रश्न, आयोडीन टिंक्चर क्या है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन होता है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो ये आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन होता है। अगला प्रश्न, रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल से प्रावर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल से प्रावर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है टमाटर का रंग लाल? जो है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संबंधित है, इकोलॉजी किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के सहसंबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? जून 1972 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 में। अगला प्रश्न है, आई राइट क्या है? ये विकलांगों का एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न जो है वो, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यह भी हमने डिटेल से पढ़ा है, जो चैप्टर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल का चैप्टर पढ़ा है, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है, आप लोग जाके पूरी थियरी क्लास इससे समझ सकते हैं। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये तीनों का उदाहरण है, अपवर्तन का भी, विक्षेपण का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों का। अगला प्रश्न है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसायनिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? रसदार थैलमस होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती हैं? 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तन करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, ये कैटलिस्ट होते हैं, स्वयं चेंज नहीं होते हैं पर अभिक्रिया की जो दर होती है उसे बढ़ाया घटा देते हैं, वैसे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री केल्विन में कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु को क्या कहते हैं? समस्थानिक, या इनको आइसोटोप भी कहते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप में क्या होता है कि परमाणु संख्या जो है वो बराबर होती है लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लाविन क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? मधुमक्खियों के काटने पर जो है फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है, उनकी जो टंग जो डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है और उसी वजह से जो है वो दर्द होता है। अगला प्रश्न, संवेग कैसी राशि है? संवेग जो है एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है वो आयरन का Fe का अयस्क होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग अनुमानता कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारणतया किससे किसके बनाए जाते हैं? तो ये हमेशा सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। अगला प्रश्न है, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है?
कॉपर सल्फेट को? ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। अगला प्रश्न, होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? वस्त्र के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्त करने को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है वो एफजी वेटिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? मैनोमीटर से जो गैस का दाब नापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? आर ए मिल्कन ने। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तांबा, निकिल और जिंक होते हैं। कौन कौन से संघटक हैं? तांबा, निकिल और जिंक, कॉपर, निकिल और जेडन, CuNiZn। अगला प्रश्न है, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक कहते हैं, आइसोक्लिनिक रेखा। अगला प्रश्न है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने में। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकांड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए तीन तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसकी क्रम में तारों का रंग होता है, लाल जो सप्लाई होगी वो लाल होगा, लाइव जो है वो लाल है, न्यूट्रल जो है वो काला है, जो अर्थ होता है वो हरा हरा होता है। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण जो है ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? साइरस या तारा कौन सा है? साइरस है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है या हान होता है? तो ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस किस अन्य प्रमाण से क्रिया क्यों, नोबेल गैसें जो है वो किसी और प्रमाण से क्रिया क्यों नहीं करती या किसी और गैस से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी जो बारीक अच्छे होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव जो है वो हमेशा कम हो जाता है साबुन घोलने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, आप लोगों को मालूम होगा। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46×10^12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेडल का नियम संबंधित है
ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनका नियम किससे संबंधित है? आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ग्लेवनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायनमो। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी मूवमेंट या ब्राउनी गति कहते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? पौधों के बढ़ने की दर को हम नापते हैं किस यंत्र से? क्रेस्कोग्राफ से। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी का अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय होता है। एस्कर्बिक एसिड इसका नाम भी है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक आवेश। अगला प्रश्न है, संट का अस्थायी रूप से प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? अमीटर में। अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को, CuSO4। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने किया है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, MX√2 किसकी धारा के बराबर होगा? धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? 373 होता है डिग्री केल्विन। फारेनहाइट में 212 है और डिग्री केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपो क्रिस्टेटस है। अगला प्रश्न, शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। जो रक्त की कमी हो जाती है, किस रोग की वजह से है? एनीमिया की। अगला प्रश्न है, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? वो है सेल्युलोज है। अगला प्रश्न है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अगला प्रश्न है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हर्शेयोम चेज। अगला प्रश्न है, सिरके को कौन सा अम्ल कहते हैं? सिरके को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। हेमाटाइट खनिज में हेमाटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा, आयरन या आयरन का अयस्क है हेमाटाइट। अगला प्रश्न है, फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों
के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या नियम किसका है, या ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, या सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, इसे आइंस्टीन ने बताया था। अगला प्रश्न है, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है, उत्तर होगा नेफ्थेनेट पॉमिटेट। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, उत्तर होगा कार्बन फाइबर का। अगला प्रश्न है, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है, बर्नौली का नियम। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है, आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन होती है, जबकि परमाणु बम में या क्या होती है, अनियंत्रित होती है परमाणु बम में, और परमाणु रिएक्टर में क्या होती है, जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है, घर्षण की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर अपथ्रस्ट बल का क्या होता है, तो अपथ्रस्ट बल जो होगा वो नियत ही रहेगा। अगला प्रश्न, बिजली के बल में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है, विकिरण से, विकिरण के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा भी पहुंचती है। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, दिन की लंबाई कम हो जाती। अगला प्रश्न है, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अगला प्रश्न है, अभ्रक उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, उष्मा का सुचालक है जबकि विद्युत का कुचालक है। अगला प्रश्न है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, पृथ्वी से पलायन, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, व्यस्क टॉमी तथा ट्यूब के टॉमी क्या है, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। अगला प्रश्न है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। अगला प्रश्न, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है, यकृत में। विटामिन ए का संग्रह जो है किस अंग में होता है, यकृत में। अगला प्रश्न, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करती है। आते हैं अगला प्रश्न, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है, कोशिका भित्त की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कार्ल वान फ्रिस्ज। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, खसरा रोग किससे फैलता है, ये वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैंटिंग बेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, बिना मिट्टी पानी के खेती से हाइड्रोफोनिक्स। कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है, विटामिन ए और डी का। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है,
जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वह परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, या नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का नियम, या फिर ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, जिसे के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, किससे संबंध है? अल्फा किरणों से संबंधित है वो। अगला प्रश्न, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्शियम के कारण। अगला प्रश्न, जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू जॉनसन ने। किसने किया था? डब्ल्यू जॉनसन ने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अगला प्रश्न, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं इसे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्टेपिडियस है। अगला प्रश्न, पौधों के किस भाग में पराया पराकणों का निर्माण होता है? फूल। अगला प्रश्न, एक इंच में कितने किलोमीटर होते हैं? 25.4 मिलीमीटर। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी 1100 प्लस प्रश्न है साइंस से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित, ये पहला पार्ट है। बाकी की 2 या 3 पार्ट आपको जल्द ही हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप सब यह वीडियो अवश्य देखें। सामान्य विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे इन सब में लिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके सारे परीक्षाओं के लिए, जितने भी आगामी परीक्षाएँ उन सब के लिए। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।